नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक फॉर बाबरी जैसे नारे लगाए जाने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद एहतियात के तौर पर सोमवार को यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल वीडियो मामले में पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट को बताया है कि यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती एक एहतियात कदम है। यह राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह और आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर किया गया है। जाहिर तौर पर परिसर के अंदर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, लेकिन इस संबंध में कैंपस के बाहर कुछ नहीं हुआ। वहीं इस मामले को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने कहा है कि विरोध के कारण शैक्षणिक गतिविधि बाधित नहीं हुई है और स्थिति नियंत्रण में है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ 2 से 3 छात्र ही नारेबाजी कर रहे थे। कक्षाएं और परीक्षाएं बिना किसी व्यवधान के जारी रहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और उसके स्कूलों को 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। वहीं इस दौरान यूनिवर्सिटी में भी राम मंदिर को लेकर छात्रों में उत्सुकता देखी गई थी।